आज मैं एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, आज की ही बात है ये। और स्पेसिफिकली कुछ लोगों को पता भी होगी, नहीं पता होगी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, इस पर कमेंट करें, शेयर करें इसको, और इस पर बात होनी थोड़ी सी ज़रूरी है कम से कम, क्योंकि जहाँ पे लोग बिजी हैं कोरोना वायरस से बचने बचाने में, वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने 15 बच्चों को ये कह के फेल कर दिया कि ये नॉन मुस्लिम हैं और इन्होंने CAA का समर्थन किया है, और ये अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पास जो बाकी बच्चे हैं क्लास के उनका समर्थन है और मैं इनको क्लास के बाहर भी देख लूँगा। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। तो मैं, और क्योंकि जामिया ने एक्शन लेते हुए इनको हटा दिया है और ये कहा है कि ये हरकत कम्युनल राइट को इंसाइट कर सकती है, लेकिन क्या कोई सेंटर लेवल पे ऐसा एक्शन नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं हो सकती कि इस इंसान को कहीं और नौकरी ना मिले एज अ टीचर एटलीस्ट, कि ये लोगों में ऐसे फ़र्क कर रही है रिलीजियस बेसिस पे। तो एक तो पहले से ही वो जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें शायद रिजर्वेशन 50% उसमें ऑलरेडी है कि मुसलमानों के लिए। तीसरी चीज़ अगर उसमें कोई पढ़े भी तो उसमें भेदभाव हो, और अगर भेदभाव हो तो उसको इतना बड़ा हो कि उसका करियर ही चौपट हो जाए। तो क्या ये पूरी उससे प्लानिंग से चल रहा है क्या ये, कि हमारे थ्रू कोई होके जाएगा तो हम उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे? और इस चीज़ को अगर कोई समझ के आपको ही ना उस जगह पे पहुंचने दे, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, यहाँ मुसलमानों को किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम मिलती है तो आप ये करते हैं। खैर, इस बात पे वो लोग स्पेसिफिकली कमेंट करें जो लोग बहुत सेकुलरिज्म की बौछार करते रहते हैं हर जगह, तो उनको ये इस बात पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है लोग ये कह देंगे कि हाँ वो गलत आदमी है, ऐसे कंडेम करते हैं ये वो ये, और लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं। मेरे भाई, दो चीज़ है, कुरान को 1400 साल से आज तक इतना ज़्यादा मिसइंटरप्रेट किया गया है और इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कह सकते हैं, असली वर्ड मैनिपुलेट, जिसको जिस हिसाब से सूट किया उसने उस हिसाब से पढ़ा, उस हिसाब से अगले को पढ़ाया, उस हिसाब से अगले को मैनिपुलेट किया और अपने लिए एक वेपन बना लिया, जिंदा वेपन, कोई भी कभी भी काम आ जाएगा। और अभी जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ मैं, उसका जवाब मैं चाहता हूँ कोई दे, कि जैसे इस मुद्दे को छोटे मोटे पोर्टल्स तक रह गया, तो क्या अगर कोई हिंदू टीचर BHU में से किसी मुसलमान बच्चे को ये कह के निकाल दे कि वो नॉन हिंदू है और उसका करियर ख़राब हो जाए किसी तरीके से, तो क्या वो इतनी छोटी सी बात होती? कंपैरिजन किया जाए तो क्या वो इतनी छोटी सी बात होती? नहीं, उस देश में कुछ बुद्धिजीवी उसको यूज़ करते पॉलिटिक्स के लिए, और उसको यूज़ करके दंगा भड़काने की कोशिश करते, उसको यूज़ करके भाजपा पे अटैक करते, उसको यूज़ करके RSS पे अटैक करते, उसको यूज़ करके हिंदुओं को बदनाम करते। लेकिन जो ये हरकत हुई है उसको तो मुझे नहीं लगता कि किसी TV की डिबेट का 5 मिनट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। लेकिन जनता के हाथ में बहुत ताकत होती है, अगर ये वीडियो, ये मैसेज अगर किसी तरीके से शेयर हो जाए तो शायद किसी भी न्यूज़ चैनल डिबेट का हिस्सा बन जाए, नहीं तो एटलीस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर कोई हेडलाइन ही बनवा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।